न्यूज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पाकिस्तान में हिंदू लड़की और मेडिकल स्टूडेंट नम्रता चंदानी की बुधवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कुछ जगह निशान की बात सामने आई थी, लेकिन हत्या की पुष्टि नहीं की गई थी। हालांकि नम्रता चंदानी के परिवार ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है। परिवार का दावा है कि नम्रता का मर्डर हुआ था, ये कोई सुसाइड नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 27 सितंबर तक अमेरिका के ह्यूस्टन, टेक्सास और न्यूयॉर्क शहरों के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वे चर्चित हाउडी मोदी सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापारिक समझौता हो सकता है, जिससे भारत में आयातित आईफोन जैसे कई उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दिन बीजेपी बंगाल में अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अगले महीने कोलकाता जाने वाले हैं, जहां वे एनआरसी पर अपनी बात रखेंगे। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एनआरसी के खिलाफ रही है और उन्होंने इसे अपने राज्य में लागू नहीं करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के आज गुरुवार को 2.5 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि गुजरे इन सालों में लोगों का नजरिया बदला है। कामकाज की बदौलत उनकी सरकार ने जनता का विश्वास जीता है। 86 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए। जापानी इंसेफ्लाइटिस पर रोक लगाई और अपराध पर लगाम कसी। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की जमानत याचिका का सीबीआई विरोध करेगी। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि एजेंसी अपने जवाब में कहेगी कि इस मामले की जांच अभी चल रही है, ऐसे में इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि पी चिदम्बरम बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। डीके शिवकुमार इलाज के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद गुरुवार को डीके शिवकुमार को तिहाड़ भेज दिया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सियासी चाल से बसपा के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद राज्य की कैबिनेट और प्रदेश संगठन में फेरबदल की संभावना दिख रही है। सियासी चर्चा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि फेरबदल के जरिए राज्य में राजनीतिक और सामाजिक संतुलन कायम हो सके। शारदा चिटफंड केस में सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व कमिश्नर और वर्तमान एडीजी राजीव कुमार की तलाश तेज कर दी है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र कुमार से राजीव कुमार के बारे में जानकारी मांगी है। राजीव कुमार की तलाश के लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई है। दिल्ली में कई कैब और ऑटो रिक्शा को परिवहन कर्मचारियों द्वारा सड़कों पर रोका जा रहा है। दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा के कई स्कूल आज बंद हैं और कार्यालय जाने वालों को परिवहन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ट्रक, बस, ऑटो और टैक्सी सहित माल और यात्री खंडों के 41 संघ और यूनियन हड़ताल पर हैं। दिल्ली मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम की बसें सामान्य रूप से काम कर रही हैं। पॉपुलर टीवी एक्टर विवियन डिसेना के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। खबर है कि टेली सोप सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की छोड़ने के बाद फैंस विवियन डिसेना को सलमान खान के शो बिग बॉस में देख सकते हैं। हालांकि इस पर विवियन और कलर्स की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरबीएन न्यूज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब न्यूज चैनल। धन्यवाद।